बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर था वाटर, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन जो है, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। ए पार्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड ब्लैंक। आगे इसमें यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो पहली ब्लैंक में इवेपोरेशन आएगा। इस तरह बी पार्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो बी पार्ट का जो ब्लैंक है उसमें कंडेंसेशन आएगा। इसी तरह सी पार्ट है, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू ब्लैंक इन दैट रीजन। यानी अगर एक साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए बारिश ना हो तो उस इलाके में क्या हो सकता है, इसमें आएगा ड्राट। यानी इस इलाके में ड्राट आ सकता है, कैद साली हो सकती है, खुशक साली हो सकती है। डी पार्ट, एक्सेसिव रेन्स मे कॉज ब्लैंक। यानी बहुत ज़्यादा बारिशों से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिशों से फ्लड आ सकता है, इसमें आएगा फ्लड। क्वेश्चन नंबर टू है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। यानी हमें बताना है कि ये जो हमें ये बताना है कि ये जो चीज़ें होंगी ये किससे होंगी, यानी इवेपोरेशन की वजह से या कंडेंसेशन की वजह से। नंबर ए जो है, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक ग्लास है, उसमें कोल्ड वाटर है, उसकी जो आउटर सरफेस होती है आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं, नज़र आते हैं हमें, उस की वजह क्या हो सकती है, तो उसकी वजह जो होती है वो होती है कंडेंसेशन। क्योंकि हमारा जो घर में जो हमारी एयर होती है रूम्स में, उसमें भी वाटर वेपर्स होते हैं, और जब वो किसी ठंडी चीज़ से टच करते हैं, टकराते हैं, तो वो वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो ग्लास था उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर है, इसलिए उसकी सराउंडिंग में जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो उसके साथ जैसे ही टच करते हैं वो कंडेंसेशन होकर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरनड। जब हम गीले कपड़ों को इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उनमें से वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं इवेपोरेशन की वजह से। इसका जो रीज़न है वो है इवेपोरेशन, क्योंकि वो जो क्लॉथ्स में वाटर होता है तो उस पर जब प्रेस लगाई जाती है, प्रेस चूँकि बहुत हॉट होती है, तो हार्डनेस की वजह से वाटर मॉलिक जो उसमें वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, इसलिए उसके वेपर्स उड़ते नज़र आते हैं। सी पार्ट है, फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। एक कोल्ड विंटर मॉर्निंग में, यानी विंटर की एक ठंडी मॉर्निंग में, सुबह में हमें धुंध नज़र आती है, फॉग, वो किस वजह से होती है, वो भी होती है कंडेंसेशन की वजह से। सी पार्ट, कंडेंसेशन। इसी तरह डी पार्ट है, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जब ब्लैक बोर्ड को हम वाइप करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, वो किस वजह से होता है, वो होता है इवेपोरेशन की वजह से। डी पार्ट, इवेपोरेशन। इसी तरह ई पार्ट है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गटल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। तो ये जो ई पार्ट है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गटल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, ये भी होता है। यानी स्टीम जो निकलता है जब हम किसी चीज़ पर
गर्म चीज़ हो उस पर पानी फेंकें तो वहाँ से स्टीम राइज होता है, ये भी होता है इवापोरेशन की वजह से। तो ये दो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, बाकी हम इंशाल्लाह दूसरी क्लास में करेंगे।